अभी मैं जो देख करके आ रही हूँ उसको देख करके अंदर से जो सुकून मिला, जो खुशी मिली ना, एकदम अंदर से जो आत्मा होती है ना वो बस तृप्त हो गई वो चीज देख करके, बहुत खुशी मिली। मैं सोच रही हूँ कि काश ये चीज पहले हुई होती, काश ये पहले से हो रही होती तो कितना अच्छा होता। और जो मैं देखी ना उसको प्लीज आप पूरा देखिएगा, ये नहीं है कि जस्ट ये ब्लॉग चैनल है इंटरटेनमेंट के लिए, इंटरटेनमेंट लेने के लिए आया है, नहीं। कभी कभी किसी के चैनल में, किसी वीडियो में कुछ अच्छा सुनने को मिले, सीखने को मिले ना, तो सीख लेना चाहिए। तो मैं जो कह रही हूँ उस चीज को आप पूरा सुनिए। अभी मैं गई थी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए, उसके जस्ट अपोजिट में छोटा सा स्कूल है, सिर्फ 2 कमरे का स्कूल है, प्ले क्लास है, नर्सरी है, जूनियर केजी है, सीनियर केजी, छोटा सा स्कूल है। मैं अपनी बेटी को तो छोड़ दी, उसके अंदर क्या हो रहा है मुझे तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन उसके जो अपोजिट में था ना वो ग्लास का स्कूल है, जस्ट पर्दा लगा दिया जाता है, लेकिन अभी पर्दा लगा हुआ नहीं था, इसलिए जो अंदर एक्टिविटी हो रही थी उसको देख करके ना मेरे आँख से आंसू निकल गया, शायद अभी बोलते बोलते अभी भी छलक जाएंगे, क्योंकि एक दर्द है जो मैं झेल चुकी हूँ, इसीलिए मैं बात कह रही हूँ। देखिए छोटे छोटे बच्चे थे, 2.5 साल के, 3 साल के, उसको टीचर योगा सिखा रही थी, अनुलोम विलोम, ऐसे लो ब्रीथ इन काउंट कर रही थी, फिर ब्रीथ आउट सिखा रही थी छोटे बच्चे को, 2.5 3 साल के बच्चे को, देख करके इतनी खुशी हुई ना। ये कोविड के पहले क्या स्कूल में इतने छोटे बच्चों को योगा सिखाया जाता था, अनुलोम विलोम सिखाया जाता था, नहीं सिखाया जाता था। अब बच्चों को सिखाया जाता है, हाँ योगा क्लास पहले भी होता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि छोटे छोटे बच्चे को आप अनुलोम विलोम सिखा रहे, अब अनुलोम विलोम का वैल्यू है। खुद मैं एक एग्जाम्पल हूँ, मैं खुद 8-8 घंटे अनुलोम विलोम की हूँ, तब जा करके आज मैं आपके सामने बोली जिंदा हूँ। आप में से कई लोग जानते हैं कि मेरी लाइफ तो बस खत्म होने वाली थी, मैं मरने वाली थी, मेरे डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि बस हार्डली कुछ टाइम ही मेरे पास है, मेरे पास जिंदगी नहीं है, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, लाइलाज है। लेकिन योगा करके बहुत सारी चीज़ें और भी मैं की, लेकिन सब कुछ आयुर्वेद और योगा के द्वारा ही मैं अपने आप को ठीक की हूँ, इसलिए मुझे पता है कि अनुलोम विलोम का क्या वैल्यू, योगा में सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम, ये बात मैं अभी भी कहती हूँ। देख करके ना मन खुश हो गया, ये काश कि पहले से कराया जाता, मैं पहले से कर रही होती तो मैं शायद इतनी बीमार नहीं हुई होती, लेकिन कोविड आने के बाद लोगों की आदतें बदली। मेरे घर में जानते 2 साल पहले, कोविड आने के पहले तक रिफाइन और मैदा शायद ही कोई दिन नहीं बनता हो, 1 या 2 दिन छोड़ करके, पर रिफाइन 3 लीटर तो यूज़ होता ही था मंथली, 3 लीटर रिफाइन यूज होता था, और मैदा 2-3 केजी यूज होता ही था, कभी ये आइटम कभी वो आइटम। अभी आप मेरे ब्लॉग में कुछ बनते हुए नहीं देख रहे, क्योंकि मैं ना फास्ट फूड जंक फूड टाइप का खाना ज़्यादा बनाती थी शाम में, तो मेरा बर्गर तो सैंडविच यही सब चलता था, और जब से मैं बीमार पड़ी मैं तो नहीं खाती, उस चक्कर में मेरे बच्चे भी खाना बंद कर दिए, क्योंकि अब रिफाइंड 1 लीटर आता है तो पूरा साल में भी 1 लीटर रिफाइंड खत्म नहीं होता, जबकि महीने का 3 लीटर का खपत है, इतना तलने वाला, पूड़ी रिफाइंड में, पकौड़ी रिफाइंड में, अब पकौड़ी वगैरह भी तलती हूँ तो सरसों तेल में, पूड़ी भी तलती हूँ तो सरसों तेल में, रिफाइंड बंद हो गया, मैदा बंद हो गया, मैदा 6 महीने में 1 पाव या आधा केजी, कभी कुछ अच्छा खाने को मन किया तो, इस वजह से मैदा यूज़ करती हूँ। और बाहर का अगर बच्चों का मैं नहीं मन मानना चाहती तो बाहर का हार्डली महीने में 1 या 2 बार मैदे का कोई चीज़ खाना है तो थोड़ा सा छोटा अमाउंट में खिला देती हूँ, ताकि शरीर इतना भी नाजुक ना हो हेल्दी खा खा करके, कि कभी बाहर का कोई खाए तो बच्चा बीमार हो जाए। तो बस ये आदतें है ना बस बदल गई है, अच्छी अच्छी आदतें आ गई है, तो मुझे देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास योगा करने का टाइम नहीं होता है, 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। सुबह क्या होता है ना, मेरे हस्बैंड को ऑफिस भेजना पड़ता है और उसके बाद मेरा बेटा ट्यूशन जाता है 9 बजे, 9:30 बजे मेरी बेटी जाती है स्कूल, तो सबको भेज ली, तो सुबह तो मैं योगा अब नहीं कर पाती हूँ। अब मेरे पास बिल्कुल फ्री टाइम है, क्योंकि आदि आएगा 11 बजे, उसके स्कूल है 1:15, लाडो को स्कूल से लाने जाना है 12:15, तो अभी मेरे पास टाइम 1.5 घंटा है, तो ये 1.5 घंटा अभी मैं योगा करूंगी। कुछ खाई पी नहीं हूँ, पेट पूरा खाली है, सुबह 5 बजे से उठी हूँ लेकिन अभी तक कुछ नहीं खाई हूँ, लेकिन हाँ नारियल पानी सुबह का पिया हुआ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सुबह मैं खाली पेट नारियल पानी पी लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि भूख लगा है या पेट में कुछ अजीब सा जलन जैसा लगता है, क्योंकि लंबा टाइम खाली पेट रहने से गैस तो बनती बनती है। नारियल पानी पियो, अभी मैं योगा कर लेती हूँ, योगा कर ली हूँ, योगा करके उसके बाद मैं नहाई हूँ, और आदि अभी अपना कुछ पता नहीं क्या बोल रहा है, स्कूल में क्या टैलेंट दिखा रहा है, वो अपना टैलेंट दिखा रहा है पेपर में, तो मुझे तो ये बात समझ में आ नहीं रही है। अभी तक मैं कोई भी नाश्ता नहीं की हूँ, 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, और लाडो को स्कूल लेने के लिए जाना है, उसको स्कूल से लेकर के आऊंगी और आदि को रेडी करके उसको स्कूल भेजूंगी,
उसके बाद क्या करूंगी वो आपको ब्लॉग में पता चलेगा। बहुत बिजी शेड्यूल चलता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है मॉर्निंग टाइम पे, लेकिन हाँ सेकेंड हाफ में बहुत टाइम मिलता है। तो सारे कुछ आप इस ब्लॉग में देखने वाले हैं, थोड़ा बहुत मेरा रूटीन शेड्यूल आपको समझ में आ जाएगा। आज बारिश नहीं हुई ना तो आज अच्छा लग रहा है। ये देखिए वही स्कूल है, लाडो के स्कूल के अपोजिट छोटा सा स्कूल है। देखिए प्ले ग्रुप के जो बच्चे होते हैं ना बाहर ही खेलते हैं, जो भी स्लाइड वगैरह बाहर का, अपोजिट में देखिए लाडो का ही स्कूल है। तो मैं इसी छोटे स्कूल की बात कर रही थी, सारे पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं, मैं पहुंच ही गई स्कूल। लाडो आ जा आ जा आ जा, मेरी मम्मा आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत देर से वेट कर रही थी। लाडो मम्मी का कितना देर से इंतजार कर रही थी? इंतजार दे थी, मम्मा नहीं आई थी। एक्चुअली लाडो है का छुट्टी ना 10 मिनट पहले ही हो गया था, मैं 12 बजे में 2 मिनट बाकी था तब पहुंची थी, और इसका छुट्टी 12 बजे होता है। और ये है लाडो का स्कूल, और टीचर को कुछ भी कहना रहता है ना पेरेंट्स से तो वो माइक में ही बोल देते हैं, बाहर खड़े जो भी पेरेंट्स होते हैं वो सब सुन लेते हैं, तो डायरेक्ट टीचर और पेरेंट्स आपस में बात नहीं करते हैं। जैसे कि कल टीचर माइक में बोली कि सबको मास्क पहनना कंपलसरी है, अभी तक तो सामने से नहीं बोली, माइक पे जस्ट बोली है। तो लाडो का मास्क नहीं है अभी घर पे, मुझे नया खरीदना पड़ेगा, जो भी पहले से थे ना सब फट गए, पुराने हो गए या इधर उधर हो गए, तो लाडो का आज नया मास्क लेंगे और उसको कल से मास्क में ही भेजेंगे। वही हमेशा की तरह प्रॉब्लम, लाइट ही नहीं है, लाइट कट रही है, आजकल बहुत लाइट कट रही है, एक वीक से सिलप सही से ब्लॉग भी मेरा बन नहीं पा रहा है। बारिश में रास्ता कैसा हो जाता है। चलो डांस क्लास के बाहर ये छोटी सी बच्ची करतब दिखा रही थी, तो लाडो पहली बार इस तरह से देख करके बहुत खुश हो रही थी, मैं उसे दिखा रही थी। हाल कैसा है जनाब का? बहुत बुरा हाल है मेरा, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, एक दिन की बात होती तो समझ में आती भी, क्या बात है। ये देखिए घर में पूरा अंधेरा क्योंकि लाइट ही नहीं है पूरा दिन, एक दिन की बात होती तो एडजस्ट कर लेते, एक हफ्ते से यही चला रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ, 2 साल से इस एरिया में हूँ, कभी लाइट का ऐसा बुरा हाल नहीं हुआ, एक हफ्ते से पता नहीं पूरा दिन लाइट नहीं रहता है, 10 मिनट के लिए लाइट आया, दौड़े दौड़े गई अपना मोबाइल चार्ज में लगाई, मसाला पीसी कि सब्जी में बना सकूँ किसी तरह, इसीलिए मसाला पीसी, और उस 10 मिनट में या तो मैं ब्लॉग बनाती या तो मोबाइल चार्ज पर लगाती हूँ, नहीं मोबाइल चार्ज होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए घर के अंदर कोई ब्लॉग ही नहीं बना पा रही हूँ। देखिए पूरा अंधेरा है, इस अंधेरे में क्या मैं ब्लॉग बनाऊँ, जो भी ब्लॉग बनाए घर के बाहर का बनाए, किसी तरह एडजस्ट कर रही हूँ। कल तो मैं ब्लॉग ही नहीं डाली, फिर रात को लाइट आया 10 बजे रात को, तो 10:05 में मैं लाइव आई थी, जैसे लाइव आई 20 सेकंड के अंदर लाइट कट, आप मेरा लाइव देख सकते हैं कल का, मैं अपलोड कर दी 20 सेकंड के अंदर लाइट कट, मतलब इतना बुरा हाल, इतनी बेइज्जती कि भाई ब्लॉग नहीं डाल पा रही, कम से कम लाइव तो आ जाओ, उसमें भी कट पूरा, मतलब कह नहीं सकती क्या हाल है। एडिटिंग तो कर लूँगी, एडिटिंग के लिए नेट नहीं चाहिए, लेकिन अपलोड करने के लिए तो भाई डाटा चाहिए होता है, मोबाइल डाटा से ना नहीं हो पाता, मेरा मोबाइल डाटा यूज़ कर लेती है ना, पूरा दिन लाइट नहीं रहता है ना, तो मेरे बच्चे मोबाइल डाटा यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कार्टून देख लेते, बोर हो जाते, टीवी नहीं चलती है, तो क्या मैं कहूँ, मेरा बहुत बुरा हाल है। जबकि मेरा पेमेंट आ गया है, पेमेंट आने की खुशी में और अच्छा मैं ब्लॉग बनाऊंगी, एक जुनून होता है कि हाँ पेमेंट आया है, तो मेरा पहला पेमेंट आया ब्लॉग चैनल, एक जुनून के साथ था, प्लानिंग के साथ, ऐसा ब्लॉग बनाऊंगी वैसा बनाऊंगी, सब प्लानिंग धरा का धरा, घर में लाइट ही नहीं है तो बहुत बुरा हाल है। बस प्रे कीजिएगा कि मेरी लाइट की स्थिति अच्छी हो जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। चलिए जो भी ब्लॉग है जैसा भी एडजस्ट कर लीजिए कुछ दिन, जैसे मैं एडजस्ट कर रही हूँ ना, प्लीज़ आप एडजस्ट करेंगे मेरे साथ तो ही कुछ हो सकता है, आप लोगों को सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, लाइट नहीं है प्रॉब्लम बहुत कर रहा है इसीलिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं लाइट का क्या हाल होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। मेरा तो बहुत बुरा हाल है एज ए यूट्यूबर, सच में बहुत बुरा लग रहा है, अंदर से ना रोने का मन करता है, ऐसा कंडीशन होता है, तो सच में मतलब फील मैं ही कर सकती हूँ, अगर आप फील करेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट पढ़ के से मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे। बाय बाय।